पुलिस मुक्त बिहार होगा तभी बिहार के लॉ ऑर्डर से लेकर सारी प्रशासनिक चीज ठीक हो पाएगा। जनता का राज है तो लोगों की हत्या कैसे हो रही है, गवाह की कैसे हत्या हो रही है, यही तो जवाब मांग रहे हैं हम लोग। देखिए ये कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। हम तो हमारे यहाँ हमले होते हैं तो हम तो पाकिस्तान के इलाके में घुस के मारते हैं। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। इन दिनों बिहार में अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है। सरकार की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि बिहार में जनता राज है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि बिहार में क्राइम कंट्रोल है। कुछ लोगों को यह बात समझ में नहीं आती। बिहार विधान सभा के नेता प्रतिपक्ष ने भी हमला बोला तो दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है, बिहार में दारू माफिया, बालू माफिया और जमीन माफियाओं का जो है राज हो गया है। आगे हम उन तमाम बयानों के साथ छोड़े जाते हैं कि क्या कुछ कहना है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का। समाप्त। नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति में अब अप्रासंगिक भी हो गए और आधी बात उनको याद नहीं होता। मैंने कहा कि नीतीश कुमार जी अब बीमार हो गए, तो बीमार व्यक्ति से कुछ नहीं हो सकता। नीतीश मुक्त बिहार होगा तभी बिहार के लॉ ऑर्डर से लेकर सारी प्रशासनिक चीज ठीक हो पाएगा। तो क्या नीतीश कुमार ने तो कह रहे हैं कि सर कि यहाँ पर राज है, जनता का राज है। जनता का राज है तो लोग क्यों मर रहे हैं? जनता का राज है तो लोगों की हत्या कैसे हो रही है, गवाह की कैसे हत्या हो रही है, यही तो जवाब मांग रहे हैं हम लोग। उनके पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जो हत्या हुई उस पर कार्रवाई हुई। अरे तो सभी जगह कार्रवाई हो रहा है। कानून का राज स्थापित करना, डर स्थापित करना, देखिए इसलिए डर खत्म हो गया कि बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया ये सरकारी तंत्र पर कब्जा कर लिया। राहुल गांधी लद्दाख गए हैं और वो कह रहे हैं कि चाइना देश में घुस रहा है और प्रधानमंत्री मोदी चुप है। रुक जाइए यार, देखिए ये कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। हम तो हमारे यहाँ हमले होते हैं तो हम तो पाकिस्तान के इलाके में घुस के मारते हैं। ये कमजोर पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी 56 इंच वाले हैं और 56 इंच का सीना दिखाने का काम करते हैं। सर जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, क्या कहिएगा, जिस तरीके से बेगूसराय में घटना हुई है, मोतिहारी में हुई है। देखिए नीतीश कुमार जी बीमार हैं, इकबाल खत्म हो गया बिहार की राजनीति में। अब नीतीश कुमार जी का कोई शासन नहीं है, गुंडों का राज हो गया, अपराधियों का राज हो गया, बालू माफिया का राज हो गया। लेकिन किस तरीके से पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, कुछ ना पुलिस अधिकारियों के इसके पूर्ण रूप से दोषी सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है जिनके राज्य में अब प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह समाप्त हो गया। नीतीश कुमार कहने की बिहार में क्राइम कंट्रोल है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अब हम लोग को समझ में आ रहा हो लेकिन आप ये समझिए कि आप ही की मीडिया दिखा रही है कि बिहार में यहाँ पर हत्या हो रही है, यहाँ पर लूट हो रहा है। बिहार में नीतीश कुमार जी को फुर्सत ही नहीं है कि बिहार की जनता की चिंता करें। और आज जिस तरह आप देख रहे हैं, पिछले कई महीनों से लगातार बिहार की जनता पर हमला हो रहा है और नीतीश कुमार जी आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। और वो बार बार कहते हैं कि हमको तो पता ही नहीं है, हमको जानकारी ही नहीं है, बिहार में ये स्थिति है। अब उनको अलग से एक चश्मा उपलब्ध भारतीय जनता पार्टी कराना चाहती है कि नीतीश बाबू आप बताइए किस चश्मे से देखना चाहते हैं। आज भी बेगूसराय में, मुतियारी में, और जिस तरह गवाह की हत्या हो रही है, इससे स्पष्ट है कि पुलिस संरक्षण देने में पूरी तरह विफल है। जिस तरह पत्रकार विमल यादव जी की हत्या हुई वो भी गवाह के तौर पर थे। बेगूसराय में भी जो पिता और पुत्र की हत्या हुई वो भी गवाह के तौर पर थे। तो बिहार की सरकार पूर्ण रूप से बिहार में कानून का राज समाप्त हो गया और नीतीश कुमार जी इन सारे मामले में पूरी तरह विफल हो गए।